बंद हो, बड़ा आनंद आया, एक प्रेरणा मिल गई। जो मन निराशा हताशा और किन कर्तव्य मूढ़ता में डूबा हुआ था, उस मन को एक संबल मिल गया। महावीर नाम अपनी चेतना को संबल देने वाला नाम है। हम महावीर के उपासक हैं, किसी कायर के उपासक नहीं है। जो कायर का उपासक होता है उसको कायरता सूझती है, और जो महावीर का उपासक होता है उसके अंदर एक संबल काम करता है। संबल किस बात का? अपनी मानसिक दृढ़ता का। संबल किस बात का? अपनी वाणी की शुचिता का, पवित्रता का। संबल किस बात का? सदा चरण पर शुद्ध रहने का, दृढ़ रहने का। और यह संबल जीवन का चरित्र बनाता, और अनेक संकटों से बचा रहता है, जीवन की प्रतिभा का विकास करता है। जो अपने चेतना के स्तर पर संबलहीन हो गया, उत्साहहीन हो गया, हताश हो गया, समझ लो वो जीवन हार गया। महावीर का नाम लेने वाले ऐसा कभी नहीं कर सकते। बंधुओं, भारत के अंदर दो ही व्यक्तित्व ऐसे हैं, एक तो 24वें तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी, उनका नाम भी महावीर हो गया, और पवन पुत्र हनुमान, उनकी भी हमारे भारत में महावीर के नाम से पूजा होती है। बंधुओं, क्यों क्यों? और भी कई महापुरुष हुए हैं, पर जो दृढ़ता, बहादुरी, हिम्मत, साहस हनुमान में पाया गया, उतनी मात्रा में और किसी जगह देखने को नहीं मिलता। जितना साहस, जितनी दृढ़ता भगवान महावीर की के जीवन में मिलती है, कानों में किले ठोक दिए, पैरों में आग लगा दी, और भयंकर कष्टों का सामना करते रहे, पर अपनी साधना से विचलित नहीं हुए। बंधुओं, ये दृढ़ता, ये किसी महावीर में ही हो सकती है। आज अनेक व्यक्ति
आप में से कई हो सकते हैं और ज्यादातर हो सकते हैं। क्या करें बाप जी, नियम तो लिया था पर खंडित हो गया। सामयिक साधना शुरू की थी पर इतनी कठिनाइयां सामने आई कि छूट गई। अनेक शुभ कार्य, बहुत व्यक्ति स्त्री पुरुष प्रारंभ करते हैं पर थोड़ी सी बाधाएं आई सब भूल भाल करके बैठ जाते हैं। क्यों, तुमने शुरू क्यों की? सोच समझ के शुरू किए तो तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि जो प्रारंभ किया उसको करना और करना। ऐसे व्यक्तियों ने समाज में और देश में इतिहास बनाया है। ऐसे व्यक्ति अयोग्य सिद्ध हुए हैं जो कुछ चले फिर रास्ता छोड़ के निकल गए। ऐसे व्यक्तियों ने संसार में कोई अपना आदर स्थापित नहीं किया। जिन्होंने आदर स्थापित किया उनके अंदर कोई न कोई महाविरत्व था, दृढ़ता थी और उनके जीवन में एक गहराई थी। वे कदापि अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। और बंधुओं, ये धरती जिस पर आप बैठे हैं, ये हल्दीघाटी का अंश है। यहां महाराणा प्रताप और अकबर का भीषण युद्ध हुआ जिसकी साक्षी ये रक्त तलाई है जो पूरी खून से लाल हो गई। क्यों लड़े महाराणा प्रताप अकबर की विशाल सेना? सागर लहराता इस तरह की उनकी सेना लहराती थी, हजारों हजार हजारों लाखों सैनिक इधर, मेवाड़ की छोटी सी सेना आन बान शान के सुदृढ़ सुरक्षक महाराणा प्रताप के नेतृत्व में वो स्वयं चला के युद्ध करने नहीं गए। युद्ध उन पर थोपा गया और अकबर कहता मेरी आज्ञा मानो, मेरी अधीनता मानो। प्रताप ने कहा हम हिंदू हैं, हमारी संस्कृति हिंदू है, हम हिंदुत्व के मूल्यों को कहीं भी झुकने नहीं देंगे और हमारी धरती पर स्वतंत्र रहना यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। मुगल काश मुख बतो इन तनुसुई कलिंग, उगे जाई उगसी प्राची बीच पतंग। मैं तो अकबर को मुगल ही कहूंगा, तुरक ही कहूंगा, वो मेरा बादशाह नहीं है।
एक बात तय कर ली, कर ली, चाहे घास की रोटी खानी पड़ी, राजमहल छोड़ने पड़े, वनों में, जंगलों में, पहाड़ों में घूमना पड़ा, हजारों कष्ट सहन करने पड़े, पर उस बहादुर की का वीरत्व देखिए, नहीं झुका सो नहीं झुका। अरे वो तो नहीं झुका, पर उनकी पगड़ी भी कभी नहीं झुकी। एक सेवक पहले महाराणा प्रताप के सेवा में आया, और सेवकों का काम तो गुणगान करना है, उन्होंने गुणगान किया। महाराणा प्रताप ने एक पगड़ी इनाम में दी, वो पगड़ी अपने सिर पर लगाए रखता और बड़ा गौरव अनुभव करता कि ये महाराणा प्रताप की पगड़ी है। बंधुओं, घूमता हुआ अकबर के दरबार में चला गया, सभा भरी हुई और वो सेवक पहुंचा, उसके पास एक भाला था, अपने सिर की पगड़ी उस पर टांग कर, और उसने बाद में खमागणी की, सिर झुकाया, नमस्कार किया। अकबर ने कहा, ये क्या तमाशा कर रखा है, पगड़ी को भाले की नोक पर टांग दिए और तू नमन कर रहा है। उसने कहा बादशाह को विनम्र भाव से कि बादशाह, हम तो सेवक हैं, हम तो गुणगान करते हैं और इनाम प्राप्त करते हैं, उससे हमारा गुजारा होता है, हम तो सब जगह करते हैं और नमस्कार करते हैं, पर ये महाराणा प्रताप की पगड़ी है, मैं उधर से आ रहा हूं, महाराणा प्रताप की पगड़ी कभी झुकती नहीं है, वो कभी झुके नहीं, तो उनकी पगड़ी कैसे झुक सकती है। बाकी तो हम तो सेवक हैं। अकबर जल भून के राख हो गया, स्वाभिमान ऐसा मेवाड़ियों का। बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि महावीर का नाम लेते ही जो एक दृढ़ता मानस में बनती है, उसकी कोई सानी नहीं है। अपने जीवन को यदि आप किसी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी आदर्श को अपने जीवन के अंदर स्थापित करना चाहते हैं, कोई रचनात्मक काम आप अपने हाथों से करना चाहते हैं, पहले खूब सोचो, के बाद समझने के बाद दृढ़ निर्णय करके आगे बढ़ो। कष्ट आएंगे, क्योंकि श्रेयांसी बहु विज्ञानी भवन्ति महतामपि, अच्छे कार्यों में सर्वदा तकलीफें आती है, पर पीछे मत हटो, कर दिखाओ और अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ, यही महावीरत्व है। तो बंधुओं, अपने जीवन में एक तत्व है दृढ़ता का, उसको हमें सबल करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। हम बहुत ढीले डाले हैं, ढीले डाले व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकते। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, भरतपुरी लोटे
इधर भी घुड़क गए, इधर भी घुड़क गए, राम की जय, राम की जय, और तो एक चांटा पड़ा तो रावण की जय। ऐसे ढीले व्यक्ति समाज में राष्ट्र में कोई काम नहीं कर सकता। तो बंधु, ज्ञाता सूत्र के अंदर जिन रक्ष और जिन पाल का उदाहरण है, बहुत सटीक उदाहरण है कि दो भाई थे, प्रदेश कमाने गए, भयंकर समुद्र में एक पहाड़ी पर फंस गए, क्योंकि भयंकर तूफान आ गया, उनका जान डूब गया, किसी तरह वो जान बचा करके टापू तक पहुंचे। वहां एक बड़ी शैतान है, राक्षसी का निवास था, रैना देवी। वह पुरुष कामी थी, पुरुष कामी का मतलब देव हो, देवी होकर के भी पुरुषों के साथ काम वासना और रमण किया करती। जो व्यक्ति वहां आता उसको अपनी जान में फंसाता, और पहले वाले व्यक्ति को सूली पर चढ़ा देता। ऐसी वो दुष्कर्मी थी। एक दिन उसने कहा, मैं कहीं जा रही हूं, दक्षिण की तरफ मत जाना, उधर सर्प रहता भयंकर। वो चली गई, जिन रक्ष जिन पार उधर ही गए। उधर एक व्यक्ति सूली पर टका था, मरा नहीं था। उसने कहा, यहां हो, तुम्हारे आने के पहले मुझे सूली पर चढ़ा दिया, तुम्हारी भी यही गति होगी, तुम कहां आके फंस गए। दोनों कांपने लगे, क्या करें। 12 बजे एक यक्ष आता है, कहता है, किसको तारूं, किसको पार उतारूं। तुम, कहता, हमें पार उतार। वो तुमको लेके जाएगा और तुम्हारे नगर में पहुंचा देगा।